तो अब हम बात करते हैं एक्सिस्ट ऑपरेटर के बारे में। तो एक्सिस्ट ऑपरेटर का मतलब ये होता है जैसे कि वो डेटा उसके अंदर एग्जिस्ट है कि नहीं। द एक्सिस्ट ऑपरेटर यूज टू टेस्ट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन अ सब क्वेरी। द एक्सिस्ट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द सब क्वेरी रिटर्न वन और मोर रिकॉर्ड्स। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दो टेबल क्रिएट किया हुआ, इस टेबल के अंदर का मुझे नेम प्रिंट कराना है। वो नेम कौन सा प्रिंट कराना है, जो डिपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा और उसके अंदर जो लोकेशन मुंबई रहेगा, मुंबई लोकेशन में जो भी डेटा है, जितने लोग का भी नाम है उसमें से ये जो नेम है कंपनी के यूजर है उसका नेम और इसका नेम मैच करके वो प्रिंट कराना, वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो प्रेजेंट रहेगा तो हमारा रिटर्न आ जाएगा, जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इधर सबसे पहला मैं लिखूंगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम कंपनी सन, तो सबसे पहला मैंने ये लिख दिया। इसके बाद में फिर मैं लगाऊंगा वेयर कंडीशन, इसके बाद में मैं टाइप करूंगा एक्सिस्ट। अब मैं मेरा जो दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट का उसके अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा। तो इधर मैं लिखूंगा सेलेक्ट डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट और इधर मैं लिखूंगा वेयर कंपनी जो है हमारा कंपनी के जितने भी डेटा कंपनी डॉट नेम इक्वल इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट नेम और इधर मैं डी लोकेशन टाइप कर देता हूँ। अब मैं इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हो महेंद्र मन्नू संतोष दर्पण, तो ये दोनों डेटा हमारे, ये चारों डेटा जो कि इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है। तो इसे मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हो जैसे कि मैं इसे ऊपर करता हूँ, ऊपर करने के बाद में आप देख सकते हो इधर जो कि है ना महेंद्र चेतन और इसके अंदर देख सकते हो जैसे कि महेंद्र का महेंद्र प्रेजेंट है, मन्नू प्रेजेंट है और उसके बाद में आप देख सकते हो जैसे कि संतोष प्रेजेंट है और उसके बाद में दर्पण प्रेजेंट है। तो इधर ये दर्पण, तो ये चार डेटा प्रेजेंट है। तो ये हमारा एक्सिस्ट के थ्रू ये फाइंड करके हमारा सक्सेसफुली इधर प्रिंट हो गया। और इधर आप और भी कंडीशन लगा सकते हो जैसे कि कंपनी नेम इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम मैंने दिया हुआ है, तो इधर जैसे कि मैं लगाना चाहता हूँ एंड डी लोकेशन इक्वल टू मुंबई और इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो जैसे मैंने डी एंड डी लोकेशन इक्वल टू मैंने मुंबई लगाया तो इधर क्या हुआ, अब मैं इन सभी को एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। तो हमारे क्वेरी को देखते हैं, जैसे कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम कंपनी जो कि जितने भी यूजर लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं इंप्लॉय लोग हैं, तो वो सारे का सारा डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे नेम है जैसे आप देख सकते हो, ये सारे नेम है। इसके बाद में वेयर एग्जिस्ट लगाने के बाद में सेलेक्ट डी लोकेशन और डी लोकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के अंदर क्या कंपनी का नेम और डिपार्टमेंट का नेम। तो सबसे पहले एक कंपनी का नेम देखा, ये जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं ये सारे के सारे नेम और ये ऊपर के नेम तो मैच किया, तो इसके अंदर से जो सिमिलर नेम थे उन्हें मिल गए, महेंद्र मन्नू संतोष और दर्पण, ये चार सिमिलर नेम मिल गए। इसके आगे चेक किया कि एंड लोकेशन इक्वल टू मुंबई, तो एंड लोकेशन इक्वल टू मुंबई, किधर किधर मुंबई, एक इधर मुंबई एक इधर मुंबई, जो कि महेंद्र और मन्नू में मुंबई है, संतोष और दर्पण के इधर जो कि बैंगलोर और नासिक है, तो ये मुंबई कंडीशन चेक किया, इसके अंदर महेंद्र और मन्नू हम इसे एग्जिस्ट मिल गया, तो इसके वजह से हमारा ये डेटा प्रिंट हो गया। तो इस तरह एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। तो इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी बेहतर तरीके से आपको पता चलेगा।